जय हिंद दोस्तों, मैं सुजीत आपके अपने YouTube चैनल कंप्यूटर वाला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि यदि आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के लोकल डिस्क में आप लॉक लगाना चाहते हैं, जैसे कि कोई ऐसा फाइल आप रखना चाहते हैं जिसको चाह रहे कि दूसरा आदमी ना देखे, सिर्फ उसको हम ही देखें और कंप्यूटर सभी आदमी यूज करें, तो उस जगह पे आप अगर लोकल डिस्क में अगर डी ड्राइव या ई या एफ इसमें आप लॉक लगा देते हैं सिग्नेटरी, तो आपका जो लैपटॉप तो सभी आदमी यूज करेगा, बट उस सेंस में आप मतलब दूसरा आदमी उसका यूज कोई डॉक्यूमेंट नहीं देख सकता है या किसी प्रकार के फ़ोटो वीडियो रखे हुए हैं नहीं देख सकता है। तो इसको हम किस प्रकार से करेंगे विंडोज़ में हम लोग जानेंगे। बस अब वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। हाँ, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए इसके लिए हम लोग चले आए स्क्रीन बोर्ड पर, और आने के बाद सबसे पहले देखिए ये है दिस पीसी, जिसमें जाने के बाद आपका जो लोकल डिस्क सी डी ई एफ जैसे हम एक इसमें लगाए हुए, ठीक, एक और में हम लगा रहे हैं और किस प्रकार से इसमें लगा के काम करेंगे पूरी प्रोसेस के हम लोग जानेंगे। तो देखिए ये है, इस पर आप क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद यह टर्न ऑल ऑन बिट लॉकर है ना, इस पर क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद ये इसमें इस पर टिक लगा के यहाँ से आप पासवर्ड और यहाँ पे वही पासवर्ड फिर से दे सकते हैं। अगर हो सकता है यहाँ से आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में नहीं आता हो तो फिर क्या करना है, इसको हम बाय द वे हम काट देते हैं, आना है और कंट्रोल पैनल में आ जाना है, कंट्रोल पैनल में। बट याद रखिएगा कि अगर आपके पास अगर विंडोज़ होम है, प्रोफेशनल नहीं है, तो फिर नहीं होगा, ठीक है। ये प्रोफेशनल में ही सिर्फ होता है, कभी कभी ऐसा होता है विंडोज़ अभी जो 11 है, ठीक, नया जो आया न्यू अपडेट विंडोज़ 11, तो कहीं कहीं जो ऑटोमेटिक जो डलाया हुआ रहता है होम, ठीक है, विंडोज़ होम डला हुआ रहता है जिसमें है जो लॉक नहीं लगता है बिट लॉकर, ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। और उसके बाद हम लोग यहाँ से आके और देखिए सिस्टम एंड सिक्योरिटी, इस पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा बिट लॉकर का ऑप्शन, ठीक, बिट लॉकर का ऑप्शन ये दिखाई दे रहा है, इस पर क्या करना है, क्लिक कर देना है। अब क्लिक करने के बाद जैसा कि यहाँ पे हम लोग इसमें किसी में भी लगा सकते हैं, ठीक, तो इसमें हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे किस में लगाना है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें देख लेते हैं किस में लगाना है। तो बाय द वे हमको एच में लगाना है, ठीक, एच में लगाना है, एफ में तो लगा हुआ, एच में लगाना है। तो हम लोग यहाँ से आ जाएंगे और एच एच को यहाँ से इस पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद है टर्न ऑन बिट लॉकर, इस पर क्लिक करेंगे। फिर से आपको वहाँ से जो ले गए उसी फेस पे ले गए और यहाँ से इस पर टिक लगा के यहाँ पे आप किसी भी प्रकार के आप लॉक इस पर डाल सकते हैं। जैसे इस पर हम लॉक डाल देते हैं, अपने हिसाब से हमको जो रखना है हम डाल देते हैं। चलिए ठीक है, अब इसमें पासवर्ड डालने के बाद आपको नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। क्या कह रहा है, दिस पासवर्ड प्रोवाइड डजंट मीट मिनिमम लेंथ, कम से कम इसमें 8 डिजिट का आपको लेना होगा, इसलिए ये नहीं लग रहा है, तुमको 8 डिजिट का लेना है। चलिए यही वाला फिर से इसमें डाल देते हैं और डालने के बाद इसको क्या है यहाँ से नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट करने के बाद ये प्रोसेस हो रहा है, इसको अगर माइक्रोसॉफ्ट वगैरह सेव है करना तो कीजिए। चलिए इसको हम सेव कर लेते हैं और सेव करने के बाद यहाँ हम सेव कर लेते हैं, ठीक, कहता है जो रिकवरी के लिए इसको सेव कर सकते हैं, ठीक, दूसरा लोकेशन में कह रहा है इसको सेव करने के लिए, तो हम दूसरा लोकेशन यहाँ से चूज कर लेते हैं और इसमें चलिए इसमें हम चूज कर लिए। चूज करने के बाद इसका नाम भी चेंज कर देना है, हम नाम चेंज क्या कर रहा है, योर रिकवरी कैंट सेव, चलिए इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, इसको बैक सेव अभी तक नहीं हुआ, यहाँ से प्रिंट ही कर लेते हैं। चलिए प्रिंट में आके अब इसको हम सेव कर लिए, अब ये यहाँ से नेक्स्ट ऑप्शन है जो इनेबल हो गया, तो हम नेक्स्ट कर देंगे, फिर इसको नेक्स्ट कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे और नेक्स्ट करके स्टार्ट। तो ये है जो यहाँ पे बिट लॉकर का है जो स्टार्टिंग हो रहा है कंप्लीट। अगर आपके ये लोकल डिस्क में अगर क्या होगा,
अगर कोई अगर डॉक्यूमेंट है जैसे वीडियो हो गया या किसी प्रकार के फाइल हो गया रखे हुए हैं कहीं ज़्यादा रखे हुए हैं तो फिर इसको जो कंप्लीट होने में कुछ समय लगेगा। हम इसको फॉर्मेट किए थे इसके कारण कंप्लीट बहुत ही जल्द हो गया। अब देखिए अब हम लोग आते हैं और इसमें देखिए ये ताला है जो लग चुका है। अब इसको रीस्टार्ट करेंगे तो जैसे इसमें लगा हुआ लॉक इस प्रकार से इसमें भी लग जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। यदि वीडियो उपयोगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ही जाइएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।